S1000 तो अपन रोज ही चलाते हैं, लेकिन इसको चलाने में अलग मज़ा आ रहा है भाई। सो गाइज, इस बाइक में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलता है वो ये कि अगर इसका कम है, इसका बहुत कम है, इसका एग्जॉस्ट काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा बेस वाला साउंड आ रहा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ खड़ी हुई है अपनी न्यू BMW S1000 RR और उसके अपोजिट में हमने आज खड़ा किया है सुजुकी हायाबुसा को, जो कि एक लेजेंडरी मशीन है, बट ये अपडेटेड BS6 वेरिएंट है। तो बहुत सारे लोगों को ये BS6 पसंद आता था, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता था, बट बेसिकली मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे ये बाइक लुक वाइज काफ़ी सही लगी थी। पुराने वाले से बहुत ज़्यादा अपडेट भी नहीं किया था और पुराना वाले लुक को टचअप देते हुए कुछ नया करने की कोशिश की थी, बट ये चीज़ें कई लोगों को पसंद नहीं आई। हालांकि स्पीड में, पावर में थोड़ा सा डाउनग्रेड ज़रूर हुई थी, वो क्या चीज़ें थी अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा, बट आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं इन दोनों बाइकों को। तो सबसे पहले मेजर चीज़ आपको बताते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस है सीसी का। हायाबुसा जो कि 1340 सीसी की है और ये है 999 सीसी की, तो सीसी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। टॉर्क की बात करें तो करीब ये 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, वही ये सिर्फ 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और सबसे बड़ा जो मेजर चेंज है दोनों में वो है फ्यूल टैंक का। सुजुकी हायाबुसा में आपको मिलता है 20 लीटर का फ्यूल टैंक, वहीं इसमें आपको सिर्फ 16.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। हाइट की बात करें तो सीट हाइट इसमें काफ़ी ज़्यादा है, पुरानी वाली के कंपैरिजन में भी ज़्यादा है। मैं अगर इस पर बैठता हूँ तो मेरे फीट जो हैं प्रॉपर ज़मीन पर नहीं लगते हैं, हल्के से उठे रहते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा छोटे लोग भी उसको बहुत ईजिली चला सकते हैं। उसकी सीट हाइट बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अभी हम इन दोनों बाइकों को राइड करेंगे और एक एक करके इसके फीचर आपसे डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम चलाएंगे सुजुकी हायाबुसा और दोनों में एग्जॉस्ट ही लगा हुआ है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो एग्जॉस्ट एक बार सुना देता हूँ फ़िलहाल आपको, ताकि थोड़ा सा तो मज़ा आए। ये देखिए, इसको स्टार्ट करो ज़रा, देखें, स्टार्ट करो, लो थ्रॉटल लो, इसका एग्जॉस्ट नोट देखिए, थ्रॉटल लो, और एक बार। तो कुछ ऐसा एग्जॉस्ट नोट इसका है और हायाबुसा का एग्जॉस्ट नोट आप सुन लीजिए ज़रा, ज़्यादा बेटर है भाई हायाबुसा का, है ना। इसका बेटर है ना, उसका कम है, उसका बहुत बहुत माइनर सा है। इसका कम है, इसका बहुत कम है, इसका एग्जॉस्ट काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा बेस वाला साउंड आ रहा है। इसमें एक इकलौता एग्जॉस्ट है, इसके जिम्मे सारा काम है, तो ये कुछ खास काम कर नहीं पाता है। अब हम इसको थोड़ा सा राइड करते हैं और इसको चलाने का आपको मज़ा देते हैं कि बाइक कैसी चलती है। ओ बुज़ा का यार एक अपना अलग लुक है। सही बताऊं तो बुज़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। जब मैं टेनार लेने वाला था तो मैं एक बार, जब इसका नया ये वाला लुक आया था तो मैं एक बार बुज़ा देख रहा था, मैंने ऑनलाइन चेक किया और हम लोग सोच ही रहे थे कि क्या यार हम लोग इसको ले पाएंगे, क्या कभी इसको ले पाएंगे। ये बात है 3 साल पहले की, जब ये लॉन्च हुई थी, और क्या ही बताएं उस टाइम कैसी कंडीशन थी अपनी। हम कैसे ही यूट्यूब कर रहे थे, बट समहाउ काफ़ी कुछ चेंज हो गया लाइफ में। एंड अब हम इसको थोड़ा सा राइड करेंगे रोड पे, देखते हैं कि कैसी चलती है। वाओ, शहर के हिसाब से बढ़िया पावर है यार। ओ माय गॉड, हाँ, इतना भी हल्के पे नहीं लेना चाहिए बूज़ों को यार। ब्रेकिंग के मैटर में हाँ उतनी अच्छी नहीं है जितनी BMW है, बट ठीक है, ब्रेक्स भी काफ़ी ज़्यादा सही है। और बूज़ा को आने के बाद चलाओ ना तो फिर कसम से यार, बुज़ा का जो पॉस्चर है वो बहुत मज़ेदार है। ये इस पे बैठने के बाद एकदम लगता है धूम वाला फील, समझ रहे हो। अपनी S1000 पे धूम वाला फील नहीं आता है, लेकिन इसमें अपन को बिल्कुल धूम वाला फील आता है कि बस अपन जॉन अब्राहिम बन चुके हैं धूम मूवी के, और बस बुज़ा को उड़ाना बाकी। ये 300 के ऊपर ऐसे रॉकेट हो रहे हैं अपन। वैसे मैंने टेनार तो खूब चलाई, S1000 RR भी खूब चलाई, बट बुज़ा को कभी इतना नहीं चलाया कि पूरा का पूरा फील ले पाएँ, पूरा दिन अपने पास रहे। हालांकि XBHP की जब मैंने राइड करी थी तो थोड़ी देर के लिए बुज़ा थी मेरे पास, बट मुझे उसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, उसमें कोई ना कोई कमी थी, बिकॉज ये पावर डिलीवर कर रही है यार, उसको चलाने में मज़ा ही नहीं आ रहा था। इसको मैं चला रहा हूँ तो अभी मज़ा आ रहा है। तो मुझे लगता है उस वाली बुज़ा में कोई ना कोई कमी ज़रूर थी, या तो सर्विस नहीं हुई होगी, जो भी है। तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आ गई थी। लेकिन ये भूसा चलाने के बाद लग ही नहीं रहा भाई कि भूसा बेकार भी है। ओहो, और नेपाल ट्रिप में हो सकता है अपने साथ एक भूसा भी जाए, तो मज़ा ले लेंगे रास्ते में, क्या ही दिक्कत है। क्या बात है, मनूवर भी सही हो रही है। ओहो, चलो रुक के कुछ चीज़ें और आपको इसके बारे में हम बता देते हैं पहले, तो उसके बाद आगे निकलते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे रुकते हैं। अब सबसे पहले हम इसको डालते हैं न्यूट्रल में। हाँ, अब यहाँ पे आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिल्कुल इसका ऐसा है ना जैसे कोई प्लेन का कॉकपिट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। सही बताएं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एकदम ऐसा ही होना चाहिए। डिजिटल में पूरा फील ही नहीं आ पाता है यार, पूरा का पूरा डिजिटल रहता है, क्या ही फील आएगा। अब इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे, ये जो नीडल जाती है ना, और ये देख रहे हो इसका क्या मतलब, लाइट चमक रही, थंडर वंडर आ रहा है, ये और ज़्यादा गजब लग रहा है। अब यहाँ पे मोड देखिए, यहाँ पे आपको कुछ स्विचेस दिए हैं, ये तो मोड के लिए है। देखिए ट्रैक्शन ऑन, ए मोड, फिर पावर, जो चीज़ सेट करनी है उसको ऊपर नीचे आप करके सेट कर सकते हो। ट्रैक्शन ऑफ करना है, ऑफ़ कर दिया, नीचे 1, 2 जिस लेवल पे आपको सेट करना है कर दिया। आपको मोड चेंज करना है, ए पे गए, कौन सा मोड चाहिए, U3 चाहिए, U2 चाहिए, U1 चाहिए, C चाहिए, B चाहिए, A चाहिए। तो अभी इसके मोड्स के बारे में मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कौन सी मोड पे ये कितनी पावर डिलीवर करती है, बट इसमें मोड्स हैं काफ़ी ज़्यादा, A, B, C, U1 और भी मोड हैं। फिर पावर, ट्रैक्शन 10 लेवल पे है भाई, इसका ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो 10 लेवल है, उस पर सेट कर सकते हो आप। पावर कितनी चाहिए यहाँ से आप दे सकते हो, जैसे पावर 3 मोड है, एक पे लगी हुई है 280, यहाँ पे स्पीड है 290, और उसके बाद मीटर पूरा टंग जाता है। और बाइक को लेते रहो, मज़े लेते रहो, बाइक को भगाते रहो, वाह। तो मोड्स हैं काफ़ी, सही है। तो बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल से लेके, क्विक शिफ्टर से लेके, डाउन शिफ्टर से, मतलब ऑटो ब्लिपर से लेके हर चीज़ मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि इस बाइक में इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलते हैं, ABS मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, क्विक शिफ्टर मिलता है, ऑटो ब्लिपर मिलता है, जितनी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें ये आपको ऑफ़र कर देती है। 20 लाख की ऑलमोस्ट ये बाइक है, और अपनी S1000 कितने की है भाई, 27 लाख की प्रो मॉडल। स्टैंडर्ड मॉडल शायद 25 या 24 का आपको मिल जाएगा, बट प्रो मॉडल जो है वो 27 का है, और अगर आप प्रो M बैजिंग के साथ जाओगे तो आपको पड़ेगी ऑलमोस्ट 30 लाख की। तो ये डिफरेंस है प्राइस। S1000 तो अपन रोज़ ही चलाते हैं, लेकिन इसको चलाने में अलग मज़ा आ रहा है भाई। अभी तक मुझे लगता था यार कि भूसा क्रश है मेरा, बट वो पावर नहीं है भूसा में, मज़ा नहीं आएगा मुझे, लेकिन इसको चला रहा हूँ ना तो मैं समझ पा रहा हूँ कि वो मैं गलत था। भूसा अगर आप नहीं लेते हो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है भूसा में, जो भूसा आप चला रहे हो, तो डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्म करेगी जैसा कि ये परफॉर्म कर रही है। बट नई वाली भूसा के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस ही ख़राब हो गया, तो मैंने उसी हिसाब से उसे जज कर दिया, बट ये सही नहीं था। आज मुझे पता चल रहा है कि भूसा अच्छी भागती है भाई, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप। भागने के साथ साथ मैं आपको ब्रेकिंग भी दिखा दूँ, देखिए मस्त एकदम कितने प्यार से मक्खन जैसी ब्रेक लगी है, मज़ा ही आ गया एकदम। अब हम चलते हैं वापस, एंड अब हम आपको अपनी S1000 RR भी दिखाई देते हैं चला के। वैसे तो मैं उसे रोज़ ही चलाता हूँ, क्या ही दिखाऊँ, बट दिखाते हैं। ये देखिए, इसको चलाने के बाद मेरे फीट आप देखिए पूरे के पूरे ज़मीन पे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नीचे हो, और बहुत आराम से आप बैठ सकते हो। ये लौंडा भी इस पर बैठ जाता है, इसकी हाइट तो बहुत ही कम है, ये 3 फुट का है खाली, इसके बाद भी भूसा पे समा जाता है। 5-7 हो, अच्छा 5-7 हो, चलो अरे ठीक है यार, 3 के बराबर ही लगते हो, तो मैंने बोल दिया ऐसे ही। बाकी इस पर तो मेरे जैसे भी 5-11 के लोग भी थोड़ा ऊपर होके बैठते हैं भाई, तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डिफरेंस देख सकते हो। एक बार मैं फ़ोन से भी आपको दिखा देता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे ना, बीच में थंडर, ये देखिए आप, क्या प्यारा लग रहा है भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। वहीं दूसरी तरफ हम आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखिए नॉर्मल सा आपको एक TFT डिस्प्ले मिला हुआ है जो थोड़ा लेट में प्रोसेस भी करता है, 2 सेकंड डिले चलता है और उसके बाद ऐसा मीटर मिल जाता है, फिर अपने हिसाब से जो करना है कर लो। तो इसमें वो फील नहीं आ पाता है कि हाँ एक सुपर बाइक, एक मतलब लीटर क्लास बाइक आप चला रहे हो, बट उसका लुक देखो आप सामने से और इसका लुक देख लो आप सामने से, देख लो कौन ज़्यादा पसंद आ रहा है आपको, आप कमेंट करके बताओ। सो गाइज़, इस बाइक में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलता है वो ये कि अगर आपके साथ कोई पिलियन है तो बहुत ईजिली तरीके से बैठ भी सकता है, पीछे ग्रैब हैंडल भी दिए हुए हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है। और इसकी सीट हाइट भी काफ़ी ऊपर है जो कि पिलियन को पैर बहुत ऊपर करके बैठने में बहुत अनकम्फर्टेबल होता है, ये मैं फेस भी कर चुका हूँ और जितने लोग बैठे हैं वो बता चुके हैं भाई। बाकी इसमें आपको हीटेड ग्रिप्स मिल जाती हैं, इसमें आपको हीटेड ग्रिप्स नहीं मिलती हैं, ये बेनिफिट इसमें आपको नहीं मिलता है। बट कई मायनों में ये ज़्यादा बेटर है, वो थोड़ी कम बेटर है, और कई मायनों में वो ज़्यादा बेटर है, ये कम बेटर है। ब्रेकिंग की बात कर लें, पावर की बात कर लें तो ये आपको डेफिनेटली ज़्यादा मिलने वाली है। मोड्स की बात कर लें, बिकॉज़ ये एक ट्रैक मशीन है तो इसमें ज़्यादा मोड्स आपको मिल जाते हैं। बट और कई चीज़ों में, लुक, अपीयरेंस में और बाकी सारी चीज़ों में तो भाई सबके अलग ओपिनियन होते हैं। आप बताओ आपको कौन सी ज़्यादा पसंद लग रही, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, या वो कमेंट करके बताओ। बाकी गाइज़, मुझे बूज़ा की एक चीज़ और बहुत पसंद आई, इसकी चेन, ब्रास की इसकी चेन आती है जो कि गोल्डन कलर की है, तो बाइक्स के लुक में काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर तो आपको नॉर्मल चेन मिलती है तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं भाई। और दूसरी चीज़ क्रूज़ कंट्रोल, आपको मैं बता दूँ कि इसमें भी आता है और उधर भी आता है, हज़ार्ड फ्लैशर भी दे रखा है, बाकी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लाइक हीटेड ग्रिप्स वगैरह तो इसमें मिलती नहीं है। 20 लाख में और क्या लोगे। तो गाइस, अभी हम चलाएंगे अपनी S1000 RR और बताते हैं भाई। इसको चलाने में, जानते हो, उसको चलाने में थोड़ा कंफर्ट था, इसको चलाने में थोड़ा लग रहा है कि ऊंची बाइक चला रहे हैं, ये देखिए। और बूज़ा में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पीछे पिलियन बहुत आराम से बैठ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली पिलियन को भाई, लेकिन इसमें पिलियन नहीं बैठा पाओगे भाई, इसमें पिलियन बैठा ही नहीं सकते भाई। सो दोनों में, दोनों के लुक में, दोनों के डिज़ाइन में एक है स्पोर्ट्स टूरर भाई, स्पोर्ट देख रहे हो कैसी टूरर बनाई ना उसको, उसके उससे आप टूर मारो, एकदम टूर के लिए बनी है, ऐसा लगता है, एकदम पॉस्चर वॉस्चर एकदम बढ़िया है। और ये भाई स्पोर्ट्स हैं तो एकदम स्पोर्ट वाला फील देंगे आपको, एकदम टक करके बैठो एकदम, तो दोनों में ये डिफरेंस है भाई, समझ रहे हो। बाकी ये बहुत हल्की लग रही है यार उसके सामने, मतलब अजीब सी पतली सी लग रही है, वो थोड़ी हैवी लगती है तो ज़्यादा मज़ा आता है उसमें। बट स्पीड अगर आप एक ही कंपैरिजन कर सकते हो, पैसे का कर सकते हो, स्पीड का कर सकते हो, स्पीड में ये ज़्यादा तेज़ होंगी बूज़ा से। बूज़ा हैवी मशीन है, 1340 सीसी है, बट PS कम है, न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा है, बट तब भी हैवी होने की वजह से भाई उसको उतनी ताकत नहीं मिल पाती है। खुद का वेट लेके भागना एक अलग चीज़ है, जैसे पहाड़ों पे कोई पतला आदमी जल्दी चढ़ जाता है, मोटा आदमी अपना वेट लेके चढ़ता है तो भाई उसे टाइम लगता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी S1000 के बारे में तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ। एंड होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कंपैरिजन का वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। एंड हाँ, अगर आप चाहते हो कि इसका और इसका, मतलब बूज़ा का और इसका आपको एक्सप्रेसवे पे कंपैरिजन देखना है तो कमेंट करो, वो भी हम जल्दी लेके आएंगे, तो कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।